शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज़ को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नागपुर शहर की 265 मस्जिदों में और 5 ईदगाहों में सुबह 8 बजे से 10:30 बजे के बीच ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई है। लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम भाइयों ने अपने अपने घरों में ही रमजान, ईद और ईद उल फित्र की नमाज अदा की। रविवार को चांद की दीदार के साथ ये मुकम्मल हो गया था। सोमवार की सुबह पूरे शहर में रमजान ईद मनाई गई। शहर के 365 मस्जिदों और 5 ईदगाहों में सुबह 8 बजे से 10:30 के बीच ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। लॉकडाउन की वजह से ईद उल फित्र की नमाज जमाते कलीला के साथ लोगों ने अदा की। जब से कोरोना वायरस ने शहर में दस्तक दी है, तब से लेकर अब तक के पूरे शहर और देश में लॉकडाउन जारी है, जिसके चलते लोग अपने घरों में हैं। सरकार ने कुछ हद तक लोगों को थोड़ी सुविधाएं भी दी है, जिसके चलते लोग अपने कामकाज और रोजमर्रा के कामें कर रहे हैं। पवित्र माह रमजान में मुस्लिम भाइयों ने रमजान ईद मनाई और अल्लाह ताला से ये दुआएं की कि कोरोना इस महामारी को जल्द से जल्द नागपुर से नहीं, राज्य से नहीं, देश से नहीं, तो बल्कि पूरे दुनिया से ही इसे खत्म करे, पूरे विश्व से ही इसको गायब करे। ऐसी दुआएं लोगों ने माह रमजान के ईद पर लोगों ने इबादत करते हुए अल्लाह ताला से ये दुआओं में इस बात की भी मांग की। फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए इस बार मुस्लिम भाइयों ने अपने घरों में ही रमजान ईद और नमाज अदा की। मस्जिदों और ईदगाहों में भी सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए 2 या 3 लोगों ने ही नमाज अदा की, जबकि सभी लोगों ने अपने घरों में ही नमाज अदा की और एक दूसरे को मोबाइल के जरिए इस ईद की मुबारकबाद देते हुए उनके लिए भी दुआएं की और मुबारकबाद दी। इनबीसीएन परिवार की ओर से ढेर सारी मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम। सभी भारतवासियों को ईद की बहुत 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 मुबारकबाद। आप लोग ये ईद पूरे खुलूस के साथ मनाएं, लेकिन सादगी से मनाएं, घरों में ही रहें, बाहर ना निकले, अपने आप को सेफ रखिए, अपने फैमिली को सेफ रखिए, अपने मुल्क को सेफ रखिए। अल्लाह हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज़, नागपुर।